नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। एक नवविवाहिता ने अपने माता पिता को एक वीडियो भेजी। कल की बात है ये। उसमें उसने ये कहा कि माँ पापा, आप चाहते थे कि मैं मर जाऊँ तो मैं मर रही हूँ। और उसके बाद वह पिता को वीडियो भेज करके चंबल नदी में कूद जाती है। ये जो घटना है ये नागता की है और जो नवविवाहिता है ये 12 वर्षीय पूनम है। और ये घटना है सुबह 5:30 बजे की। 5:30 बजे की घटना है जो ये शो करता है कि रात भर उसके मन में क्या द्वंद्व चलता रहा होगा। उसे जिंदगी जीनी है या उसे अपनी जान दे देनी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो थी बड़ौदा की नफीसा की। उसने भी अपनी एक वीडियो बनाई, चूँकि उसने प्रेम में धोखा खाया था इसलिए उसने अपने प्रेमी को दिखाने के लिए, जताने के लिए कि वो उसको कितना प्यार करती है और उसने उसको धोखा दिया है इसलिए वो अपनी जान दे रही है। कल जब मैंने नफीसा की घटना जानी तो मुझे दोस्तों 1 साल पहले की आयशा याद आ गई, जिसके पति आरिफ ने उसको धोखा दिया था, उसे परेशान किया था और उसने बहुत सारी बातें की। करीब 1 घंटा उसने बात की वीडियो कॉलिंग पे और उसके बाद उसने अपनी जान दी। ये तो 22 से 25 साल की उन महिलाओं की बात है जो किसी कारणवश अपने पार्टनर से खुश नहीं थी और उनके दिमाग में अपने पार्टनर को लेकर के कुछ कुछ चल रहा था, उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन आप लोगों को दोस्तों ये अजीब नहीं लगता कि आपको मरना है, आपने एक अपना वीडियो बनाया और अपने माता पिता को, अपने प्रेमी को या अपने ससुराल वालों को भेज दिया कि मैं जा रही हूँ। और अभी करीब 3 महीने पहले की बात है, एक 10वीं के छात्र ने भी ऐसे किया था। उसने एक वीडियो बनाया और उसके बाद वो छत से कूद जाता है। ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसी खबरें क्यों सुन रहे हैं, हम ऐसी घटनाएं क्यों देख रहे हैं अपने समाज में। अपनी जान देने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन पहले लोग एक चिट्ठी लिखते थे, अब लोग एक अपना वीडियो बनाते हैं और चिट्ठी को तो ये भी कह दिया जाता था कि किसी ने ज़बरदस्ती लिखवाई है, लेकिन वीडियो वो एक पक्का सबूत हो जाता है। और इन सब सबूतों और बाद में जो पति है, प्रेमी है या ससुराल वाले हैं, उनको जो सज़ा होगी वो एक अलग बात है। वो जो कानून है वो करेगा उसको। लेकिन आज मेरा आपसे दोस्तों ये सवाल है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हर हाथ में मोबाइल है तो क्या इसलिए है कि आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करें। इससे भी इतर मैंने कुछ ऐसे भी घटनाक्रम देखे हैं जिसमें
एकदम ऑनलाइन पति है पत्नी है, उसने अपना वीडियो कॉलिंग किया और यहाँ पे रिवॉल्वर रखे और खुद को खत्म कर दिया। ये घटनाएं वैसे तो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जितना हम हाईटेक होते जा रहे हैं उतना ही हम सामने वाले को बहुत ज्यादा जताने की कोशिश भी करने लगे हैं। और ये भी हमारे दिमाग में आता है कि ये समाज हमारा किस ओर जा रहा है। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी नफीसा की, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि जो लड़कियां प्यार में पड़ने वाली हैं वो अपनी जान से न खेले। और आज जो घटना है नवादा की, उसमें तो अभी ये पता भी नहीं है कि उसका रीजन क्या है। बस उसने वीडियो बनाया चंबल नदी के किनारे, नायन घाट है जहाँ पर उसने वीडियो बनाया, और इसके बाद जो है वो अपनी जान दे देती है चंबल नदी में कूद करके। और जब उसके पिता देखते हैं वो मैसेज वीडियो उसका देखते हैं, उसके बाद वो अंदाज लगाते हैं कि ये वही घाट होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जो चीज़ें दिख रही थी उससे उन्होंने अंदाज लगाया। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं नायन घाट, तो उनको वहाँ अपनी बेटी की चुनरी, मोबाइल और चप्पल वहाँ मिलते हैं। इसके बाद पुलिस को जो कार्रवाई करनी होती है वो उसने किया, और थोड़ी सी जानकारी आपको मैं इस महिला के बारे में दे दूं। ये बड़ावदा की रहने वाली है और कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी एबीसी लाइन के सूरज सिंह सिसोदिया से। और अभी तक मीन्स उसकी बॉडी नहीं मिली है और उसको ढूंढा जा रहा है। जो पुलिस है उन्होंने इस लड़की क्या कहिए, ये ब्याहता है, चाहे कुछ ही दिन उसकी शादी को हुए थे, पूनम, इसके घर में इसके माता पिता से भी बात की, और उन्होंने ही जो ये वीडियो था उसको पुलिस को दिखाया। पुलिस ने उसका पूरा मोबाइल ही अपने पास रख लिया है और उसकी कॉल ट्रेलिंग की छानबीन की जा रही है। देखिए दोस्तों, इसमें जो जाने वाला व्यक्ति होता है वो चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, एक तो उन्हें ये बदनामी कि फला की बेटी, फला की पत्नी, फला की बहन, इस तरीके से उसने अपनी जान ली। वजह सब लोग अपने तरीके से तय कर लेते हैं, ये वजह होगी, ये वजह होगी, उसका ये रिलेशन होगा कहीं, उसका किसी से कुछ चक्कर होगा, या उसका बला बला, अपने हिसाब से वो लोग उसको जज करते हैं। और वो जजमेंट माता पिता के लिए कितना तकलीफ दे होता है, ये वो जाने वाले जो लड़की है वो नहीं समझती। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि नफीसा ने अपने प्रेमी के लिए जान दे दी, और प्रेमी को बहुत सारी प्रेमिकाएं मिल जाएंगी, लेकिन जिस घर से वो बेटी चली गई है वो बेटी उसके माता पिता को नहीं मिलेगी। सेम यही हाल यहाँ भी है। ये जो लड़की पूनम है, अगर इसका पति से कोई विवाद है, ऑब्वियसली 10 दिन के अंदर अगर लड़की ने कोई ऐसा कदम उठाया है, अभी मैं आपसे जज करने की बात कह रही थी तो मेरा दिमाग भी जज कर रहा है कि अगर कोई ऐसी बात है जो वो किसी को बता नहीं सकती थी, वो चाहे ससुराल से वो नाखुश थी, चाहे उसका कोई
अफेयर हो, वट एवर, जो भी हो, जो वो सोसाइटी में किसी को बता नहीं सकती, इस वजह से उसने ये किया, कदम उठाया ये। अभी वो मिली नहीं है, अभी उसकी खोजबीन हो रही है कि उसने सचमुच उस नदी में छलांग लगाई है या नहीं, क्योंकि सब तरफ उसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन अजीब नहीं लगता कि वीडियो अपनी एक बनाई और उसके बाद उसको सेंड कर दिया अपने प्रेमी को, आयशा ने अपने प्रेमी को सेंड कर दिया, अपने सॉरी पति को, आरिफ को सेंड किया था। एक घंटे तक उससे वीडियो पे कॉल किया, और उसे भी कोई बेवफाई का ही भ्रम था अपने पति के बारे में, और इसके बाद वो अपनी जान दे देती है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा मैसेज नहीं देती है समाज में कि आपने एक वीडियो बनाया उसके बाद अपने आपने जान दे दी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लड़कियां वीडियो बनाती हैं अपना और उसमें बोलती हैं कि हम जान दे रहे हैं, देन कुछ दिन, कुछ महीने, कई बार कुछ साल के बाद वो लड़कियां पुलिस को मिल भी जाती हैं। मतलब अगर वो जान दे रही है तो भी गलत है, अगर वो अपने माता पिता को धोखा दे रही है तो भी गलत है, और अगर वो किसी बात से दुखी होकर के कहीं जा रही है वो भी गलत है। जिस आदमी के पास, जिस औरत के पास दिमाग है, वो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करता सही सोचने के लिए, कि वो अपना फैसला सही ले, वो काम करे जिसको वो सबको दिखा सकती है, बता सकती है, वो काम वो करे। और ये जो इस तरीके के काम होते हैं, ये माता पिता के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के जाती हैं ऐसी लड़कियां। आपका क्या कहना है दोस्तों? जो लड़कियां या जो यूथ इस तरीके के हरकत करते हैं, आप क्या कहते हैं उनके बारे में? मुझे अपनी बात मैंने कही है, जो मैंने फील किया, आप क्या सोचते हैं? मुझे आपके कमेंट का, आपके नोट का भी इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही, आज सप्ताह का पहला दिन है, आप अच्छे से अपना सप्ताह शुरू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।